हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आज छुट्टी थी, छुट्टी नहीं हड़ताल थी ना आज। आप पीछे न्यूज़ सुन ही रहे होगे, न्यूज़ लगी हुई है, ठीक है। तो सारे मतलब घर में थे फ्री, मतलब आज जैसे दुकान वगैरह तो खुली नहीं, खुलेगी शाम को वगैरह। तो अभी फ़िलहाल हम सारे फ्री बैठे थे, मम्मा पापा अंचू सारे सो ही रहे, मैं ही बैठे कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो मेरे को कुछ सुनी रात में कुछ अचानक आया कि हाँ भैया कुछ बनाते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, मैक्रोनी बनाती हूँ या फिर पास्ता। तो मैंने वैसे मैक्रोनी बनानी थी, बट मैक्रोनी थी ही नहीं, फिर पास्ता पड़ा हुआ है, मैंने कहा चलो पास्ता बना लेते हैं। मतलब वेजिटेबल वगैरह नून मिर्च मसाला वो तो सारा सेम ही पड़ना है, बस मैक्रोनी की जगह पास्ता ही डालना है ना। तो लेट्स स्टार्ट, मतलब पास्ता बना लेंगे, आपको थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। सबसे पहले हम दो प्याज, एक प्याज ले लो, एक टमाटर, टमाटर भाई महंगे इतने हो गए हैं दो लेने को मन नहीं करता। तो सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉईल कर लेंगे, मैक्रोनी नहीं थी तो पास्ता बनाएंगे, आपको बता दिया मैंने। सो हम पास्ता बॉईल कर लेंगे और साइड बाय साइड हम प्याज टमाटर काट लेंगे, ब्रिक ब्रिक काटेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ब्लॉग को एंड तक देखना गाइस, प्लीज़ स्किप मत करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर भी करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो यार, क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे, उसके अंदर ये पास्ता वगैरह डालेंगे। पानी बॉईल नहीं, मतलब पास्ता बॉईल करेंगे, कन्फ्यूज हो जाते ना थोड़े थोड़े, पता नहीं लगता। ओके, सो हम पास्ता डाल देते हैं इसके अंदर, गैस हमारी सारे डाल देते हैं। गाइस, हम पास्ते में आधा चम्मच नमक डाल देंगे उसके अंदाजे से, ठीक है। बाद में हमने ये सारा मतलब छांट लेना है, जो भी गंदगी वगैरह आएगी वो मतलब एक बार ही निकल देना, फिर हम पानी में इसको मतलब छांट लेंगे ना थोड़ा सा और बता है। पास्ता बॉईल हो चुके हैं तो मैं अपनी गैस बंद कर चुकी हूँ, अपनी गैस नहीं मतलब जड़ी होती है ना। सो तुसी देख सकते हो आप प्रॉपरली बॉयल हो चुके हैं, जड़ी सूडियाँ सूडियाँ आ गई ना, वो हले काट देनी मैं, वेख्यो आ वेख्यो दिख रही है ना आपको। यार मेरी मिक्स हिंदी पंजाबी मिक्स ही रहती है हर बारी, सो थोड़ा ठीक है। तो ये हम अभी निकाल लेते हैं छानने से अच्छी तरह इसको वॉश करके, और ये हमने अनियन काट लिया यहाँ पे, इसकी नीड नहीं हमें, बस इतना ही काटना था। अब हम टमाटर वगैरह काट लूँगी मैं, ठीक है। मैं अकेली काट रही हूँ और अकेली बना रही हूँ, कोई भी नहीं मेरे साथ, सिर्फ मैं हूँ, ओके, बिकॉज ये मेरा ब्लॉग है। गाइस, हमने अपने टोमेटो भी चॉप कर दिए हैं और अनियन भी चॉप करके रख लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, सो विल जस्ट टेक एक, सो ये हम ले लेते हैं, ओके, छोटी कढ़ाई। इसको पहले वॉश करें। मैंने एक पैन लिया है, ठीक है, जब तक पानी सूखता नहीं तब तक हम तेल नहीं डाल सकते, तो दो चम्मच तेल डालेंगे। ये दो चम्मच भी नहीं लग रहे मेरे को, रुको। हमने दो से तीन स्पून हमने ऑयल डाल दिया, ठीक है, और हमारी थोड़ी सी फ्लेम है। गार्लिक डालिए, उसको लो फ्लेम पर रख लिया, उसके अंदर डालिए अनियन, ठीक है, धीरे धीरे वेजिटेबल्स डालेंगे। सो गाइस, अब हम इसमें टमाटर वगैरह डाल देंगे, तो इसमें हमने सबसे पहले गार्लिक डाले हैं, तीन चार चॉप किए, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डाले, मैंने बे डाला है, मैंने वन एंड हाफ प्याज डाला काट के चॉप होंगे छोटे छोटे पीसेस में, और उसके बाद मैंने एक टमाटर डाला छोटा सा, ठीक है, और इसको हमने लो फ्लेम पर रख के मिक्स कर जाना बार बार। गाइस, सबसे पहले हम मसालों की बात आई, तो सबसे पहले हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, हम खोल लो, ये हम 1/4 स्पून डालेंगे, हाँ थोड़ा सही मतलब इतना, और 1/4 स्पून हम हल्दी डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे इतना 1/4 स्पून गर्म मसाला और आधा चम्मच मिर्च का, ठीक है, लाल मिर्च हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम
डाल रहे ना अंदर, तो थोड़े इसको हम कवर कर रख देंगे ताकि जो टमाटर है ना मतलब वो थोड़े हो जाए ऐसे, मतलब बहुत मतलब पतले पतले सॉफ्ट हो जाए हार्ड ना। थोड़ा सा हम इसमें किचन किंग मसाला डाल लेंगे, चम्मच भर के हम इसमें नमक डालेंगे, खले वाला डाल तो गाइस इसमें हम एक ग्लास पानी डाल लेंगे। यार मेरे को सच्ची नहीं पता कैसे बनने वाला है, क्योंकि ये सब्जी वाला पास्ता मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। सो गाइस अभी हमने मतलब नमक मिर्च वगैरह डाल लिया, ठीक है, तड़का टाइप बन गया है। तो इसके बाद हमने एक गिलास पानी डाला है और उसके ऊपर हम बाद में मतलब उसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ा सा पानी सूख जाए और फिर उसके बाद हम मैक्रोनी या पास्ता हम ऐड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो ये इसको मैंने कवर करके रख दिया। अब मतलब बीच बीच में मैं चेक करी जाऊंगी कि हाँ भाई सूख गया थोड़ा सा पानी मतलब कम हुआ है, उसके बाद गर्मी बहुत है, उसके बाद मैं इसमें अपना पास्ता जो है बॉइल्ड पास्ता वो ऐड करूँगी मिक्स करके और ऑरिगैनो वगैरह चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस हमारा पास्ता रेडी है, अब हम देखते हैं, चलो खा के दिखाओ, खा के दसो। स्वाद है, अब मैं टेस्ट करके देखती, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अगर इतनी मसाला डाल दो वीडियो वास्ते कुछ खास नहीं है, है तो वाइट बना, अरे येलो पास्ता नहीं ठीक है, येलो पास्ता यार किवें लग गया, ठीक है, वाइट सॉस से ज़्यादा अच्छा है, वाइट सॉस से कम अच्छा है, स्पाइसी भी है। मैंने कहा ना ठीक ठाक बना, ठीक ठाक नहीं बना, बहुत अच्छा बना, क्यों, क्योंकि अभी एक ग्राही खाई मैंने, दो ग्राही खाई तब ठीक लगा, जब मैंने सारा खाया ना बाइट, जब मैंने सारा खाया ना पास्ता बहुत स्पाइसी था, मेरे मतलब का ही था पास्ता। सो मैं सफाई नहीं दे रही, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि टेस्टी था। अम्मा दस्यो हाँ, पर वाइट सॉस से कम टेस्टी था, स्पाइसी था, अच्छा था। अम्मा अच्छा था, उनका ये कहने का मतलब वाइट सॉस से कम टेस्टी था, पर था सही बना था, पहली बारी ट्राई किया था, थोड़ा तो हो ही जाता ऊपर नीचे, बाकी अच्छा था। आपको जैसा मेरा ब्लॉग लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बीच में थोड़े हादसे वगैरह तो चलो होते ही रहते, कोई बात नहीं। सो बाय।